आर्मगेडॉन नंबर एक, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर दो, मस्जिद अक्सा और कुबत सगरा को गिराना नंबर तीन, वहां थर्ड टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबले मसीह में, फिर बर्बाद की थी नबूकदनेज़र ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी और तक गिरी पड़ी है, उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं रोते हैं पीटते हैं मातम करते हैं, वहां वो बनेगा थर्ड टेम्पल। और नंबर चार, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये लंदन शरीफ के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक, वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो, जिसकी भी ताजपेशी उसमें होती,